रणधीर देखिए शटलकॉक कैसे हवा में उड़ रहा है, तेरा मन नहीं करता ऐसे हवा में उड़ने का? भाई पहले तो मुझे एक पॉइंट दे उसके बाद उड़ जाना। अरे यार सोचना, काश मैं भी ऐसे हवा में उड़ पाता, बस कहीं से कहीं। कम से कम मुझे जीजू की ये खटारा साइकिल से तो छुटकारा मिल जाता, जब मन में आए चलती है, वरना इसकी चेन लूज हो जाती है और पैडल गिर जाता है। और अब तो हर रोज बड़ी हवेली जाना है ना? क्या रोज बड़ी हवेली जाना है? हाँ आज भी क्या था, तू बड़ी हवेली गया और तूने अब तक अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, ऐसी दोस्ती हमारी। अरे प्रीत मैडम ने बुला लिया था मुझे। तू उनसे मिलने गया था तो बोलना। अरे क्या? कि वो कैसी दिखती हैं, मैंने उनके बारे में बहुत कहानियां सुनी। वो तो इस दुनिया की लगती ही नहीं, कुछ अलग ही बात है उनके चेहरे पर। इतनी सुंदर, बिल्कुल वो बचपन में सुनी परियों की तरह। वो राजकुमारी जो महलों में रहती है। 34, 35, 37, 38. बालों की अहमियत मालूम नहीं है तुम्हें, जानती भी हो? कल का दिन तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। जो भी तुम्हें करना है वो आसान नहीं है तारा। लेकिन जो भी मैं तुम्हें सिखा रही हूं उसे भूलने की गलती भी मत करना। और याद रखना, तुम्हें मेरे सपने को पूरा करना है। मैडम 50 हो गए। मतलब 50 और? मैडम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैडम ने कहा है तो जरूरत है। कितनी प्यारी हो तुम आए, इसलिए तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम दूसरों की तरह सवाल नहीं पूछती। तारा तुम्हारे बाल बादलों से भी ज्यादा घने होने चाहिए और तुम्हारी त्वचा इतनी मुलायम कि किसी का भी दिल फिसल जाए। और तुम्हारा दिल पत्थर से भी ज्यादा मजबूत, as cold as ice। तभी तो तुम मेरा सपना पूरा कर पाओगी। अरे दीदी आप यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? यहाँ से सीधा हवेली जाना है, प्रीत मैडम ने बुलाया। अरे पर मैं स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे जाऊंगा? मैं घर जाके कपड़े बदल लेता हूँ ना। अभी मतलब अभी अभी जाना है। और तू क्या हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं? इसकी जगह लेना चाहता है, शक्ल दिखी तूने अपनी? अरे दीदी रणधीर का घर रास्ते में आता है। हवेली से दूर ही रहना, वहाँ तो सिर्फ मेरा विवान जाएगा। चल, और वैसे भी आजकल तो विवान की प्रीत मैडम की गोद ली हुई बेटी के साथ दोस्ती हो रखी है। तू एक काम क्यों नहीं करता? देख वो तेरी बात सुनेगी, तू उसको कुछ पार्टी वार्टी करने के लिए क्यों नहीं बोलता जैसे पहले होती थी हवेली में? हवेली में पार्टी? हाँ, अरे हवेली में तो कितनी पार्टीज होती थी, एकदम फिल्मी स्टाइल। तुम लोग ना उस टाइम पे छोटे थे, और हमारी जो प्रीत मैडम थी ना वो और अमीरों की तरह नहीं थी, वो तो हम सबको पार्टी में बुलाती थी। तुम्हारे जीजू को भी तो मैं वही मिली थी पहली बार। इतनी सुंदर लग रही थी मैं उस दिन, इसलिए वो इसके आगे नहीं देख पाए ना। किसके बाद? नहीं कुछ नहीं। तू ना मुझे बीच में मत टोक समझा, कहानी सुननी कि नहीं सुननी तो चुप एकदम। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, नमस्ते भाभी जी, और सब ठीक है?
बस मैं रणधीर को लेने के लिए आ रहा था, चलें। अच्छा आप लोग भी अपना जरा ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये शाम के बाद घर से बाहर ना निकले और खासतौर पे उस जंगल की ओर तो बिल्कुल ना जाए, थोड़ा खतरा है, काफी लोग मारे जा चुके हैं। मारे गए मतलब किसने किया, आदमी ने या जानवर ने? ना आदमी ने ना जानवर ने, मेरा मतलब है कि पुलिस अभी तक ठीक से पता नहीं लगा पाई है, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए, चले रणधीर। तो दीदी मैं हवेली से जल्दी निकल जाऊं, वो अंकल कह रहे थे कि शाम से पहले। मैं सुबह से शाम तक बकवास करती रहती हूँ, मेरी बात तो नहीं सुनता, और उसके बाप ने जो बोला उसकी बात सुन रहा है? तुझे मैंने क्या बोला? सुबह दिन रात शाम सिर्फ हवेली में रहना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम वहाँ पर बिताना है, समझा? चल अब। हाँ तो कोई कुछ खाने के लिए देना, हाँ तो पहली बार मना कर देना, कहना नो आई डोंट वांट टू हैव, लेकिन फिर सेकंड बारी में ले लेना, ठीक है? और घर पे भी ले आना अगर कुछ लाएगा तो, और सबको थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है? वो ना मैं इसको छोड़ने आई थी। तो छोड़ दिया है तो जाइए। हाँ क्या है ना, ये दीवार, ये पेड़ पौधे सब कुछ देखिए मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। क्या कर रही हैं आप, कम से कम एक्टिंग करना तो सीख ले थी। वो क्या है कि मैं श्रीदेवी जितनी अच्छी तो नहीं हूँ, लेकिन माधुरी जितनी तो हूँ। सुन एक तो ना, तू ना जो जो मैंने बोला वो सब करना, ठीक है? और सबके साथ अच्छे से रहना, ठीक है? और तुम्हारी एंट्री भी तू ही करवाएगा, समझा? चल बैग दे दे अभी तक, तो मैं चलती हूँ जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो हवेली में आने की इतनी जल्दी थी कि कपड़े भी नहीं बदले, फिर तो नहाए भी नहीं होगे। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, धरा को साफ सुथरे लोग पसंद है। ऊपर चलो, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है टेरेस पे। कौन अकेली है? कौन? धरा। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें मालूम नहीं कि तुम यहाँ किससे मिलने आए। वैसे तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें धारा अच्छी लगती है ना? अब ये मतलब कि सारा दिन तुमने उसके बारे में सोचा, पढ़ाई वढ़ाई में भी ध्यान नहीं गया होगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि धरा भी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सच में मेरा इंतजार कर रही है? उसने कहा तो नहीं, लेकिन वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी? किसी लड़की से दोस्ती की? नहीं। याद रखना, लड़कियों को छुपाने में ज्यादा मजा आता है, वो लड़कों के सामने कभी अपने फीलिंग्स को खुल के नहीं आने देती। वो कभी नहीं कहेगी कि आई मिस यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, लेकिन जितना ज्यादा गुस्सा लड़की दिखाए उसका मतलब वो तुम्हें उतना ही पसंद करती है। चले
बस तो ऐसे रहे जैसे खुद आराम से चलकर दूसरी तरफ जा सकता है। हाँ मैं जा सकता हूँ, जाके देखो। चीटिंग करनी तो आती है इन्हें, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे किसने कहा ये चीटिंग है? एक बेंच से दूसरे बेंच पर बिना गिरे जाना है, वो तो मैंने कर लिया। अब वो तो मेरे ऊपर है ना कि मैं कैसे जाऊंगा। बेवकूफ, रूल है कि आप बीच में कुछ नहीं रख सकते। एक और तरीका है। जो काम अकेले नहीं होता ना वो साथ करने से हो जाता। बेवकूफ। हंस लो, हंसने में क्या बुराई है? मैडम आप, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मुझे ये लड़का ठीक नहीं लगता। कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? आज पहली बार धरा मुस्कुराई है। दो ही मुलाकातों में ये लड़का इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। अभी तो कहानी आगे बढ़ी है और तुम कह रही हो कि इसे अभी ही रोक दो। मेरा चिंता मन, चिंता कर कर के इतना दुबला हो गया। ये ले घास खा, ये ले, हाँ घास, ये वाली घास खा, वरना बाकी के भेड़ आगे निकल जाएंगे। ये ले, कर करके कितना पतला हो गया, लिखा हाँ रोटी खा ताकि थोड़ा मोटा हो, फिर बाकी भेड़ों को भी तो हराना है कि नहीं हराना है। सारे पैसे तो कमाने तूने, उसके बाद मैं अपने लिए बंगला लूंगी, अपने लिए वो श्रीदेवी वाला सेट लूंगी, है ना, है ना? अरे हाँ बोलता है। और तेरे लिए घास लेके आती हूँ, खा हाँ खा। We'll be right back.
मैडम धारा इस सब के लिए छोटी नहीं है। तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। धारा तुम जानती हो कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं? दिल पर कभी भरोसा नहीं करना, दिल तो धोखा देता है। मैं जिस राह पर चल रही हूँ उसकी दूसरी तरफ खतरा है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जिसे आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता होता है, खतरे का। दूसरों से आगे बढ़ने के लिए खतरे का सामना करना जरूरी होता है, और इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग पे फोकस करना होगा, अपने आप पर पूरा भरोसा करना होगा, तभी तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाओगी। चलो अब तुम्हारी बारी। मैं गिर जाऊंगी। कोशिश तो करनी होगी। फोकस करो, भरोसा करो खुद पर। तुम्हें लग रहा है कि तुम गिर जाओगे इसलिए डर रहे हो, कोई भी इमोशन यहां से महसूस होती है दिल से, इसलिए दिल को काबू में करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो तुम्हारे दिमाग की जीत होगी। भरोसा करो खुद पर एंड टेक द फर्स्ट स्टेप। फोकस धारा, दिल से नहीं दिमाग से। कम ऑन। दिल से नहीं दिमाग से काम लो, नीचे नहीं सीधे देखो। फोकस फोकस।